डॉक्टर विकास महात्मे। धन्यवाद चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सबका आकर्षण एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ लेना चाहता हूँ। धनगर आरक्षण का प्रश्न जो है वो 70 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक के उसे कोई सुलझाया गया नहीं है। भारत के संविधान में धनगर को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिया गया है, सिर्फ हिंदी में लिखते समय धनगर के बजाय धनगढ़ लिखा हुआ है। धनगढ़ जनजाति का एक भी आदमी महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं है, फिर भी इन जनजाति को कैसे आरक्षण मिल सकता है? इसलिए ये धनगर को ही दिया गया है और वो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण से आज भी धनगर जमात वंचित है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में महाराष्ट्र में धनगर को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का अमल करेंगे ऐसा चुनावी घोषणा दिया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस निर्णय के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी करके जो धनगर समाज के जो महाराष्ट्र के लोग हैं जिस उनमें बहुत असंतोष है, रोष है सरकार के खिलाफ, वह कम हो। या तो ये मराठा आरक्षण सरीका ये बढ़ सकता है और परेशानी हो सकती है, और यदि हिंसक बन गया है तो वो बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए मैं ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार से जल्द एक सिफारिश पत्र मंगवा कर यह काम तुरंत करे, ताकि धनगर लोग जो भी हैं वो इस 70 साल से जो इसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं, इसका फायदा लेकर जो संविधान में दिया हुआ जो उस पर अमल कर पाएंगे और वह लोगों का रोष खत्म होगा। धन्यवाद।